वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। क्रूज ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद 4 अक्टूबर से वो लगातार हिरासत में है। देश के दो दिग्गज वकील सतीश मान शिंदे और अमित देसाई अभी तक आर्यन को जमानत नहीं दिला पाए हैं। ऐसे में अब इस केस में तीसरे दिग्गज की एंट्री हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अब पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी आर्यन खान की पैरवी करेंगे। जस्टिस नितिन सांबरे की अदालत में सतीश मान शिंदे और अमित देसाई भी मुकुल रोहतगी के साथ मौजूद होंगे। जाहिर है, ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि शाहरुख खान ने ऐन मौके पर मुकुल रोहतगी पर भरोसा क्यों किया है। मुकुल रोहतगी ने बीते दिनों आर्यन खान को सपोर्ट भी किया था। सेशंस कोर्ट में जमानत याचिका खारिज होने से पहले मुकुल रोहतगी ने कहा था कि आर्यन खान को कैद में रखने का कोई ग्राउंड नहीं है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एक शुतुरमुर्ग की तरह है जिसने अपना सिर रेत में छिपाया है। उनके मुताबिक आर्यन खान को एक सेलिब्रिटी होने की भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। पूर्व अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा था कि जमानत एक मानक है, जेल एक अपवाद है। यह मुद्दा कई साल पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुलझाया गया था, क्योंकि संविधान का सबसे स्थापित सिद्धांत जीवन का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है, और यह न केवल भारतीयों के लिए बल्कि भारत में विदेशियों के लिए भी है। अगर वो आर्यन खान को जमानत देना चाहते हैं तो ये तुरंत किया जा सकता है, यहां तक कि पब्लिक हॉलीडेज पर भी। मुकुल रोहतगी को 19 जून 2014 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया था। वो 18 जून 2017 तक देश के 14वें अटॉर्नी जनरल रहे। मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ और दिग्गज वकील हैं। रोहतगी के पिता अवध बिहारी रोहतगी दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। मुकुल रोहतगी ने साल 2002 में गुजरात दंगों में राज्य सरकार का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया था। 2002 के दंगों को फर्जी एनकाउंटर के आरोपों से लेकर उन्होंने राज्य सरकार की अदालत में पैरवी की थी। इसके बाद वो बेस्ट बेकरी और जाहिरा शेख मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में जिरह कर चुके हैं। 1999 में मुकुल रोहतगी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बने थे। तब केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। इस पूरे मामले पर आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।